और ये तीन मैचों की सीरीज में पहला मैच जीत लिया है बारिश ने। तो देखते हैं क्या बाकी बचे मैचों में इंडिया और न्यूजीलैंड बारिश को हरा पाएंगे। भाई बारिश की बात बाद में करेंगे, लेकिन पहले बीसीसीआई वालों तुमने क्या कसम खा ली है कि हम बेरोजगारों को भीख मांगने के लिए मजबूर कर दोगे? पहले पूरे साल के मैचेस एक ही प्लेटफॉर्म पर आते थे, लेकिन अब इंडिया के होम मैचेस अलग प्लेटफॉर्म पर, इंडिया के वेस्ट इंडीज वाले मैचेस अलग प्लेटफॉर्म पर, और अब तो इंडिया के न्यूजीलैंड वाले मैचेस भी अलग प्लेटफॉर्म पर आ रहे हैं। मतलब क्या करें भाई, मर जाए हम, कितने सब्सक्रिप्शन ले? आगे कहीं ऐसा टाइम ना आ जाए कि ओवर का पहला बॉल हॉटस्टार पर तो दूसरा बॉल सोनी पर देखना पड़े। चार दिन रोने के बाद और भूखा रहने के बाद बड़ी मुश्किल से घर वालों ने हॉटस्टार का 99 वाला सब्सक्रिप्शन लेके लिया था, लेकिन अब क्या करूँगा? मेरा दोस्त तो कह रहा था कि हॉटस्टार पर जो मैच ना आए वो ड्रॉ हो जाए, साफ है मेरा। पता नहीं कौन से पर्वत पर तपस्या करने गया था, वैसा ही हो गया। चिंटू नाम का लड़का कंफ्यूज था कि सिर्फ 200 रुपए है, पिज्जा खाऊं या फिर सब्सक्रिप्शन ले लूं। बड़ी मुश्किल से उसके दोस्त पिंटू ने समझाया कि भाई पिज्जा अगली बार खा लेना, आज मैच देख लेते हैं। मैच वॉश आउट होने के बाद पिंटू पूरे गांव में कहीं मिल नहीं रहा। 20 रुपए का इनाम रखा है चिंटू ने पिंटू को ढूंढने के लिए। वो तो भला हो डीडी स्पोर्ट का जो हर बार भिखारी बनने से बचा लेता है, तो वरना मैच देखने के लिए हाथ में कटोरा लेकर गली गली घूमना पड़ता हमें। हाँ वो अलग बात है कि डीडी स्पोर्ट की कॉमेंट्री पसंद नहीं है तो म्यूट करके मैच देखना पड़ता है, लेकिन भीख मांगने से तो अच्छा ही है, सह लेंगे थोड़ा। मैच देखने का प्रॉब्लम था वो तो अपने चैनल बदल कर सॉल्व कर लिया, लेकिन अब इस बारिश का क्या करें? अब क्या स्टेडियम भी हम ही चेंज करें? अरे भाई जहाँ बारिश हो रही है वहाँ सीरीज क्यों रखते हो? मतलब इतना क्या प्यार है बारिश से? जब इंडिया में बारिश थी तो इंडिया में मैचेस थे, अब न्यूजीलैंड में बारिश है तो उधर मैचेस है। प्लेयर्स को क्रिकेट खेलने भेजते हो या पकौड़ा खाने? तो भाई मैच में तो कुछ हुआ नहीं बात करने लायक, तो डीके भाई की बात कर लेते हैं हम। हमारे डीके भाई भी जहाँ से आए थे वहाँ वापस चले गए क्रिकेट एक्सपर्ट बनने। लेकिन तुम ही सोचो कि डीके भाई के सामने पार्थिव पटेल टीम इंडिया वर्ल्ड कप क्यों हार गई इस पर कमेंट कर रहे हैं। इधर डीके भाई गुस्से में कह रहे होंगे हाँ तो तू ही खेल लेता वर्ल्ड कप, लेकिन ऊपर से उनको कहना पड़ रहा है यस यू आर राइट पार्थिव, सही कहा भाई तूने, भगवान ऐसी सिचुएशन में किसी के दुश्मन को भी मत डालना रे बाबा। ये वैसी ही सिचुएशन है जब तुम एग्जाम में फेल हो गए और तुम्हारे टीचर पेरेंट्स को तुम्हारी गलतियां बता रहे हैं। भले ही डीके भाई फिर से कमेंटेटर बन गए हो, लेकिन अब जब तक डीके भाई रिटायर नहीं हो जाते तब तक स्काई स्पोर्ट वाली गलती कोई नहीं करेगा, क्योंकि क्या पता डीके भाई नेक्स्ट वर्ल्ड कप भी खेलने की सोच रहे हो। अंदर कुछ भी हो, लेकिन हमारे हार्दिक भाई मस्त चिल कर रहे हैं ऋषि सुनक के साथ। अब कुछ हेटर्स कहेंगे कि ये आशीष ले रहा है, जिसकी जैसी सोच भाई क्या ही कर सकता हूँ मैं। लड़कियां तो 100 में से 99 मार्क्स लाने पर भी दिन भर रोती है, और इधर हार्दिक और विलियमसन भाई एक हफ्ता नहीं हुआ वर्ल्ड कप हार कर, देखो कैसे हंस हंस कर चिल कर रहे हैं। मैं तो पहले सोच रहा था कि कहीं बीसीसीआई ने वर्ल्ड कप हारने की सजा तो नहीं दे दी कि अब से सिर्फ ऑटो में ही ट्रैवल करना पड़ेगा टीम इंडिया को। हाँ बस ऐसे ही इंडियन कैप्टन्स बायलैटरल सीरीज जीतकर खुश हो जाते हैं और वर्ल्ड कप ट्रॉफी बाकी कैप्टन्स ले जाते हैं। तो ठीक है दोस्तों, आज के लिए इतना ही। मैच तो हुआ नहीं तो कुछ था ही नहीं वीडियो के लिए, मिलते हैं अगले वीडियो में। अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर देना।